तो फ्रेंड्स, एक ऐसे फोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि मार्केट में बिल्कुल ही धमाका मचाया हुआ है फ्रेंड्स, जो कि मेरे पास भी वो फोन आ गया है। तो वो फोन है कौन सा फोन जो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, और उसको पूरा का पूरा रिव्यू मैं आपको कर दिखाऊंगा फ्रेंड्स, जो कि मेरे पास भी वो फोन अवेलेबल हो गया है फ्रेंड्स। तो एक्चुअली में फोन है कौन जो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कि मेरे पास भी S24 अल्ट्रा मेरे पास अवेलेबल हो गया है। तो इसका मैं पूरी की पूरी आपको रिव्यू करके मैं दिखाऊंगा, इसका किस तरह आप यूज कर सकते हैं, पूरी की पूरी आने वाले वीडियो में मैं सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड्स, या फिर इसको किस तरह आप यूज कर सकते हैं कैमरे का, या फिर इसमें क्या क्या फीचर है वो मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स, S24 अल्ट्रा के अंदर में जितने भी सेटिंग है फ्रेंड्स, सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आपने S24 अल्ट्रा ऑर्डर किया है या फिर परचेज कर लिया है, तो पूरी जानकारी इस फोन के मैं आपको दूंगा, पूरी सेटिंग का जानकारी आपको दूंगा। तो अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय में मैं इस पे पूरी की पूरी वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स इसमें जितने भी यूजफुल सेटिंग होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर AI का जो फीचर है वो मैं आपको कर दिखाऊंगा, किस तरह आप उस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसका रिव्यू करके मैं छोटा मोटा दिखाऊंगा, जो कि मैं टेक्निकल गुरु जी के जैसा तो नहीं, मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, मैं इसको सिर्फ रिव्यू करके दिखाऊंगा, जो कि मैं इसको पहले ही दुकान में गया था लेने के लिए, तो इसको मैं ओपन कर लिया हूं, तो सिर्फ मैं इसको दिखाऊंगा जो मैं परचेज किया हूं, तो इसको कुछ अपना फीलिंग मैं इसमें आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। अगर आप S24 अल्ट्रा का सेटिंग के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी लेना है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको इस पे जो भी मैं सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड्स वो आपको मिलता रहेगा फ्रेंड्स। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूं इस फोन का रिव्यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है, जो कि मेरे ये 512 GB का है फ्रेंड्स, इसमें 512 GB इंटरनल है, 12 GB रैम है फ्रेंड्स। तो ये इसको मैं पहले भी दुकान में इसको मैं खोल चुका हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं इसको खोलता हूँ फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का फ़ोन था। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ये फ़ोन है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको फ़ोन को यहाँ पर मैं निकालता हूँ फ्रेंड्स, मैं टेक्निकल गुरुजी के तरह मैं तो अनबॉक्सिंग इसको करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को उस तरह का वीडियो तो बनाता हूं नहीं फ्रेंड्स, इस पर मैं सेटिंग में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं इसको यहां पे इसको खोल दिया हूं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस पर जो भी और भी सामान होंगे फ्रेंड, जो कि यहाँ पे Type-C to Type-C यहाँ पे डाटा केबल आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस चार्जर तो रहता नहीं है। तब मैं इसको साइड करता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा आप इस लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि इसका देखिए, जो पहले था कि S23 था, जो कि उसमें कब्ड था, पूरा यहाँ पे कब्ड था, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आप कोई जो कि टेम्पल ग्लास आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि पहले का क्या इशू चल रहा था, पहले क्या इशू चल रहा था फ्रेंड्स, कि जो कि टेम्पल ग्लास इसको लगवाना जो कब्ड रहता था, तो उसमें टेम्पल ग्लास लगवाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे मैं अभी इस तरह मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये ब्लर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ फिर, यहाँ पे देख लीजिएगा मेरा ये फ़ोन आपको कैसा लगा, मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। इस फ़ोन को मैं तो ऑलरेडी 2-3 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ, तो कुछ इसके फीचर बारे में बहुत ऐसे फीचर जो कि इसको अभी मैं चेक ही कर रहा हूँ, इसके फीचर के बारे में बिल्कुल मैं चेक ही कर रहा हूँ, तो उसको मैं प्रॉपर तरीका से इस पर मैं वीडियो लाऊंगा, प्रॉपर तरीका से इसका सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये फ़ोन है जो कि ओपन हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, अब मान के चले यहाँ पे मैं कुछ अगर सेटिंग की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं इन दो उंगली से इस तरह मैं किया। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको चाहते हैं AI फीचर का आप यूज करना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल पेपर पर आ जाए, यहाँ पे हम वॉल पेपर पर आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे वॉल पेपर आएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए चेंज वॉल पेपर, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर, तो यहाँ पे अपने वॉल पेपर AI के थ्रू यहाँ पे सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ AI है जो कि यहाँ पे देखिए फोटो है जो कि यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन नहीं आप चाहते हैं कि इसको कस्टमाइज करना खुद, तो यहाँ पे खुद भी आप कर सकते हैं फिर। मान के चलिए मैं इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्रेंड जैसे मैंने क्लिक किया फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे इसको मैं अपने तरीका से एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं इसको अपने तरह से एडजस्ट मैं इसको कर सकता हूँ फिर। यहाँ पे मैं जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा फिर, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अभी Gmail ID नहीं बनाया हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा फिर, तो मेरा एडजस्ट करेगा, मैं खुद मैं इसको AI के जरिए मैं यहाँ पे वॉल पेपर को कलर वलर डाल कर मैं सेट कर सकता हूँ फिर, जो कि मेरे को ये फीचर मेरे को सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर में ये जो फीचर लगा बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा। तो मैं इसके बारे में तो ज्यादा कुछ अगर सेटिंग भी बताऊंगा फ्रेंड्स, तो इसको सेटिंग बताऊंगा और इसके बारे में मैं कुछ अधिक तो जानकारी नहीं दे सकता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं
इसको अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, मैं इसको अनबॉक्सिंग तो कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको आप दिखा रहा हूँ इसका लुक कैसा है फ्रेंड्स। आपको कैसा लग रहा है ये फोन? यहाँ पे देखिए प्योर मक्खन की तरह ये लग रहा है फ्रेंड्स। मैं तो टेक्निकल गुरुजी की तरह ऐसा अनबॉक्सिंग नहीं करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि मैं इसका सभी जानकारी आपको पूरी दूँ। अगर मैं पूरी इसका जानकारी देता तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता फ्रेंड। तो इसको सिर्फ मैं रिव्यू करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं इसको कुछ दिन से मैं यूज भी इसको कर रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। और फ्रेंड्स ये फोन आपको कैसा लगा, इसके सेटिंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसके सेटिंग के बारे में आपको पूरी की पूरी आपको जानकारी मैं दूं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अगर इस फोन का सेटिंग चाहिए फ्रेंड तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को आप दबा दीजिएगा दोस्तों। जब बेल आइकन घंटी को आप दबाएंगे फ्रेंड तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी इस तरह का कोई भी यूजफुल वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन है जो कि मिलता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।